नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ टर्मिनोलॉजी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिस्कशन किया था, कुछ टर्म्स को जानने की कोशिश की थी। उन्हीं में कुछ टॉपिक्स रह गई जिसे हम लोग उस दिन कवर नहीं कर पाए, उन टॉपिक्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये टॉपिक है ह्यूमन बॉडी डिवीजन एंड ह्यूमन बॉडी कैविटीज। इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला वर्ड है, दैट इज द सिमेट्री। तो आइए हम लोग स्लाइड के माध्यम से जानते हैं कि जब हम वर्ड यूज करते हैं सिमेट्री, तो इस सिमेट्री का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। हमने वर्ड यूज किया सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आइटम है, कोई भी पार्टिकल्स हैं, इसको यदि हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवीजन उसकी हो जाए, तब हम कहेंगे दीज आर द सिमेट्रिकल मटेरियल्स। या सपोज करें हमारे पास दो आइटम्स हैं और दोनों आइटम एक दूसरे का मिरर इमेज है, तब हम कहेंगे दीज आइटम्स आर सिमेट्रिकल टू इच अदर। अब यहाँ पे बॉडी डिवीजन में जो वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज द बाईलैटरल सिमेट्री। जब हम वर्ड बाईलैटरल सिमेट्री यूज कर रहे हैं, इस बाईलैटरल वर्ड का मतलब क्या हुआ? जहाँ हम वर्ड लैटरल यूज कर रहे हैं, मीन्स क्या हुआ कि हम बॉडी को उसके सेंट्रल एक्सिस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो दोनों पार्ट है वो दोनों पार्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, तब हम कहेंगे दीज आर द बाईलैटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास फेस है, हमारे पास हमारी चेहरा है और फेस है, यदि हम इन फेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सिमेट्रिकली, बीच से इसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आईज है, राइट साइड में भी एक आई है, नोज भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ईयर भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और दोनों ही पोर्शन आइडेंटिकल है टू इच अदर, तब हम यूज करेंगे कि हमारा जो फेस है ये फेस हमारा बाईलैटरल सिमेट्रिकल है। इसी तरह से हम यदि अपने बॉडी को, जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम जो ऑर्गन्स हैं, मैक्सिमम जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी बाईलैटरल सिमेट्रिकल है, मींस दीज आर द बाईलैटरल सिमेट्री। मींस कि यदि हमें बाईलैटरल सिमेट्री को डिफाइन करना हो तो हम बहुत आसानी से कहेंगे कि टू इक्विवेलेंट राइट एंड लेफ्ट हाफ्स अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, कि सेंट्रल एक्सिस के द्वारा हम किसी भी चीज़ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ, तब हम कहेंगे उस आर्टिकल या उस आइटम को इट इज ए बाईलैटरल सिमेट्री। तो जो ह्यूमन बॉडी होता है वो बाईलैटरल सिमेट्री होता है, दैट इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द बॉडी डिवीजन। हम अपने बॉडी को यदि डिवाइड करना चाहें तो हम इस बॉडी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो पार्ट है हमारा हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड, नेक एंड ट्रंक
हो सकता है आपके दिमाग में या आपके अंदर एक कन्फ्यूजन हो रहा हो कि हमने आर्म्स और लेग्स के बारे में नहीं डिस्कशन किया। हम कह रहे हैं बॉडी डिवीजन, और बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो पार्ट्स हैं हेड, नेक एंड ट्रंक। यहाँ पे हमने लेग्स और आर्म्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। तो जो लेग्स एंड आर्म्स हैं, इन लेग्स एंड आर्म्स को हम लोग एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। एक्सट्रीमिटीज मतलब आउटग्रोथ, कि मींस हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में या हमारी जो दो आर्म्स हैं या दो लेग्स हैं वो आउटग्रोथ है, इसलिए हम लोग उसका बॉडी का पार्ट नहीं मानते। हम लोग क्या कहेंगे कि दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मींस जब ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करना हो तो हम उसके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज द हेड, नंबर 2 इज द नेक एंड नंबर 3 इज द ट्रंक। अब आइए हम लोग अपने हेड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम यदि हम हेड के ऊपर ध्यान दें तो हमें मालूम है कि जो हेड है वो स्कल का बना होगा, मींस स्कल है, स्कल मींस खोपड़ी है, और उस खोपड़ी के ऊपर स्किन है, हेयर्स हैं, आईज हैं, नोज हैं, लिप्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मींस कि स्कल के ऊपर कुछ लेयर्स हैं, और वो लेयर जो स्कल है वो जो लेयर्स हैं उसको हम लोग नाम देते हैं, इट इज़ हेड। अब ये जो हेड है, इस हेड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फेस और दूसरे को कहते हैं क्रैनियम। अब यहाँ पे फेस वर्ल्ड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम सभी को मालूम है कि हमारा चेहरा क्या होता है, और चेहरा क्या है, हमारा हेड का पार्ट है जिसके अंदर चिन है, लिप्स हैं, माउथ हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, नोज हैं, आईज हैं, आईज ब्रोज हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हैं। तो ये जो सारे पोर्शंस हैं, ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स आपस में मिल करके एक पार्ट बनाया हमारे ह्यूमन बॉडी का, और हमने उसका नाम दिया इट इज फेस। दूसरा वर्ड है दैट इज द क्रैनियम। अब ये वर्ड आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, हो सकता है आपने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना। हम जब ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नए टर्म्स आएंगी, और उन टर्म्स को आपको याद करना है, आपको रटना है, ताकि आप आसानी से बॉडी के किसी भी पार्ट को एक्सप्लेन कर सकें। अब यहाँ पे वर्ड है क्रैनियम। यदि हम इस क्रैनियम वर्ड के बारे में सोचते हैं तो आप जरा ध्यान लगाइए कि क्रैनियम वर्ड पहले कभी सुना, आपने कहेंगे कि नहीं, क्रैनियम वर्ड हमने कभी पहले नहीं सुन रखा है। आपने एक वर्ड सुना होगा क्रेन। क्रेन का मतलब समझ रहे होंगे, CRAIN, क्रेन। क्रेन का मतलब क्या होता है कि वैसा मोटर व्हीकल या वैसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत सारे हेवी मटेरियल को आसानी से पिक कर सके, आसानी से उसे उठा सके, हम लोग उसका नाम देते हैं इट इज़ क्रेन। और उसी क्रेन से रिलेटेड एक वर्ड है दैट इज़ द क्रेनियम। मीन्स क्रेन क्या हो गया कि क्रेन इज ए स्ट्रॉन्ग मशीन, बहुत ही मजबूत मशीन है जो किसी भी चीज़ को आसानी से उठा सकता है। ठीक उसी तरह से क्रैनियम भी हमारे हेड का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मींस जो फेस के अलावा जो पोर्शन है, जो स्कल का वो पोर्शन जो फेस को, जहाँ आईज लिप्स माउथ ईयर्स को छोड़ दें, उसके अलावा जो हेड का पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज़ द क्रैनियम। मींस ये जो पोर्शन हमारी है, ये पोर्शन क्या हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ क्रैनियम। और ये क्रैनियम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मींस हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन स्पेशली जब हम क्रैनियम बोन्स की बात करते हैं तो ये क्रैनियम बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप सोच क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों
क्रैनियम बोन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? तो इसके बारे में डिटेल हम लोग जब हम लोग बॉडी कैविटी स्टडी करेंगे तब हम जानेंगे कि क्रैनियम जो बोन होती है, जो क्रैनियम पार्ट होता है हेड का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। यहाँ पर सिर्फ हम इतना जानेंगे कि हमारा जो हेड है वो दो पार्ट से मिलने से बना है, एक को कहेंगे फेस और दूसरे को कहेंगे क्रैनियम। जो क्रैनियम हमारा है इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द हेड, की हेड का जो अपर पोर्शन है, अपर पार्ट है, वो अपर पार्ट हमारा क्रैनियम है। और जो फेस है, जो हमारी जो फेस के अंदर क्या हो गया कि चिन है, लिप्स हैं, ईयर हैं, आइज हैं, नोज हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, माउथ हैं, ये सारी जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो पार्ट हैं, वो सारे पार्ट यूनाइट हो गए और यूनाइट होने के बाद एक बॉडी का एक पार्ट बनाया और उसका उन्होंने नाम दिया इट इज फेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों वर्ड समझ गए होंगे कि हेड जो है वो फेस और क्रैनियम का बना हुआ होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द नेक। अब हम सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी में नेक है और नेक का काम क्या है कि इसके अंदर मसल्स होते हैं और ये मसल्स हेल्प करते हैं हेड को टू मूव अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। मीन्स कि जो हेड का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा हो या हेड का जो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट हो रहा हो, वो मूवमेंट किसके द्वारा होता है तो बाय द नेक, और नेक में भी किसके द्वारा तो बाय द मसल्स ऑफ नेक। अब थर्ड पार्ट आया दैट इज द ट्रंक, कि ट्रंक क्या है। अब देखिए ये जो पोर्शन हमारी बॉडी का है, इस पोर्शन को लोग कहते हैं इट इज द ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या हो गया कि बॉडी का मेन पार्ट है, मेन पार्ट क्या हमारा है ट्रंक है। और इस ट्रंक को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट को हम नाम देते हैं इट इज थॉरेक्स और दूसरे पार्ट को हम नाम देते हैं इट इज एब्डोमेन। थॉरेक्स एंड एब्डोमेन मीन्स ट्रंक का जो अपर पोर्शन है, मीन्स जो अपर ट्रंक है, उस अपर ट्रंक का हम लोग नाम देंगे इट इज थॉरेक्स, मीन्स चेस्ट है। और इसी चेस्ट का हम लोग जब बायोलॉजी में या हम अपने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मेडिकल नाम देंगे तो हम इसे कहेंगे इट इज थॉरेक्स। और नीचे पेट है, उस पेट को हम लोग क्या नाम देंगे इट इज एब्डोमेन। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि ट्रंक क्या होता है और ट्रंक के कितने पार्ट्स होते हैं। मीन्स अपर पार्ट हो गया दैट इज द थॉरेक्स एंड जो लोअर पार्ट हो गया दैट इज द एब्डोमेन। अब हम लोग ने ह्यूमन बॉडी के बारे में जान गए कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे। अब इस ह्यूमन बॉडी के साथ दो एक्सट्रीमिटीज अटैच्ड होते हैं। एक्सट्रीमिटीज मतलब कि आउट ग्रोथ, कि हमारे बॉडी के अंदर एक आउट ग्रोथ होगा और ये जो आउट ग्रोथ है इसे हम लोग अपने इस टेक्निकल वर्ड में हम लोग यूज करेंगे इट इज एक्सट्रीमिटीज। और ये जो एक्सट्रीमिटीज है, इन एक्सट्रीमिटीज का हम लोग एक और नाम दे सकते हैं दीज आर लिम्ब्स। मीन्स कि जो ऊपर आर्म्स हैं, इस आर्म्स को लोग कहेंगे इट इज द अपर लिम्ब, और जो लेग्स हैं उस लेग्स को लोग कहेंगे इट इज लोअर लिम्ब। कि हमारे बॉडी के साथ टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स अटैच्ड होंगे, अपर पेयर ऑफ लिम्ब्स को लोग नाम देंगे इट इज आर्म्स, और जो लोअर पेयर ऑफ लिम्ब्स हैं उसका लोग नाम देंगे इट इज लेग्स। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि एक्सट्रीमिटीज क्या होता है। अब हम स्पेशल आते हैं अपने आर्म्स के बारे में। आर्म्स का मतलब क्या हो गया कि अपर एक्सट्रीमिटीज। अब अपर एक्सट्रीमिटीज में का हम लोगों ने नाम क्या दिया, इसका नाम अपर एक्सट्रीमिटीज भी नाम दे सकते हैं और इसका नाम हम लोग अपर लिम्ब भी दे सकते हैं, अपर लिम्ब एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। अब देखिए अपर एक्सट्रीमिटीज मीन्स हमारे यहाँ पास बॉडी में एक राइट आर्म होगा और एक लेफ्ट आर्म होगा। जिधर राइट आर्म है कहेंगे दिस इज द राइट हैंड साइड, और जिधर लेफ्ट आर्म है उस हम लोग कहेंगे इट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब जो ये आर्म है, इस आर्म को के अंदर फिर थ्री पार्ट्स होते हैं। मीन्स हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आर्म्स हैं उस आर्म्स के थ्री पार्ट्स होंगे, और उन पार्ट्स का नाम है दैट इज द अपर आर्म,
फोर आर्म एंड हैंड्स, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दैट इज द अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड्स। अब देखिए यहाँ पे अपर आर्म है, इस अपर आर्म का एक और नाम दिया गया, दैट इज द ब्रैकियम। अब एक फिर न्यू वर्ड आ गई हमारे पास से कि अपर आर्म तो हम लोग पहले सुन रखे थे कि हमारे बॉडी का वो पोर्शन जो पोर्शन शोल्डर के साथ अटैच्ड होगा उस पोर्शन को कहेंगे दीज आर द अपर आर्म, और जो उसके नीचे होगा उस हम लोग कहेंगे दीज आर द फोर आर्म। अब ये जो अपर आर्म है, इस अपर आर्म का एक और नाम दिया गया और वो नाम हमारा है दैट इज द ब्रैकियम, बी आर ए सी एच आई यू एम, ब्रैकियम, बी आर ए सी एच आई यू एम। अब ये जैसे हम लोगों ने क्रैनियल एक नया वर्ड स्टडी किया था, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक और वर्ड आ गया, दैट इज द ब्रैकियम। अब ब्रैकियम को आप कोरिलेट करें किसी वर्ड के साथ, क्या कोई ऐसा वर्ड आपको ध्यान में आ रहा है जिससे हम लोग ब्रैकियम से कोरिलेट कर सकते हैं? एक वर्ड है ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट्स हमें लगता है आप में से सभी जानते होंगे ब्रेसलेट्स क्या होंगी, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा ब्रेसलेट्स क्या होंगी। ब्रेसलेट्स क्या होती हैं? एक ऑर्नामेंट होती हैं, एक आभूषण होता है जिसे हम लोग हाथों में कंगन के रूप में पहनते हैं, यहाँ पे पहनेंगे या हम यहाँ पे बाजू में उसे बांधते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ द ब्रेसलेट्स। और इसी ब्रेसलेट्स से रिलेटेड एक वर्ड है, दैट इज़ द ब्रैकियम, या दूसरा कर सकते हैं ब्रैकियम किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड विद द वर्ड ब्रांच, ब्रांच से रिलेटेड वर्ड हो गया हमारा ब्रैकियम, मींस जो आर्म है, आर्म क्या हमारा है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ द ट्रंक, कि ट्रंक का एक आउटग्रोथ है, ट्रंक का एक ब्रांच है, और उस ट्रंक के साथ हमारे आर्म का जो पार्ट अटैच्ड होगा, जो ब्रांच अटैच्ड होगा, उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ द ब्रैकियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्म्स के अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड्स, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड्स, और अपर आर्म का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ द ब्रैकियम। अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्म, कि जो अपर आर्म है, अपर आर्म इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्म। अब आप यहां पे आपको यदि पिछली क्लास में आपने स्टडी ठीक से किया होगा तो प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रॉक्सिमल वर्ड वहाँ क्या बताया गया था कि बॉडी के ऑर्गेन का वैसा पार्ट जो ऊपर की तरफ होता है उसे लोग क्या नाम देते हैं, इट इज़ द प्रॉक्सिमल, मींस कि जो हमारा ये आर्म है, इस आर्म का जो अपर पोर्शन है उस पोर्शन को लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ द अपर आर्म, और दूसरा हम कह सकते हैं कि अपर आर्म इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्म, मीन्स ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्म। वहाँ पे हम लोगों ने दो वर्ड स्टडी किया था, एक कहा था इट इज ए प्रॉक्सिमल और दूसरा वर्ड कहा था इट इज ए डिस्टल। डिस्टल का मतलब क्या हो गया, जो सबसे दूर का, तो यहाँ पे जो हमारा हैंड है वो हैंड आर्म का सबसे लास्ट पोजीशन है, तो हम लोगों ने इसका क्या नाम दिया, इट इज ए डिस्टल पार्ट ऑफ द आर्म, और जो अपर आर्म है यो हमारे इस आर्म का स्टार्टिंग पोजिशन है, तो हम इसे नाम देंगे इट इज ए प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यदि आपने पहली क्लास को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तब वहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल के अलावा दो वर्ड और यूज किए थे, दैट इज़ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर में क्या कहा गया था कि वैसा पार्ट जो बॉडी का वैसा पार्ट जो ऊपर की तरफ रह रहा है, हेड की तरफ जा रहा है, उससे हम लोग नाम दिया था इट इज़ द सुपीरियर पार्ट, और जो नीचे की तरफ आ रहा है इट इज़ कॉल्ड इट इज़ द इन्फीरियर पार्ट। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि प्रॉक्सिमल में क्या कहा जा रहा है कि वैसा ऑर्गेन जो ऊपर की तरफ है उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल और जो नीचे की तरफ है उसे कहेंगे डिस्टल। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि हम किसे सुपीरियर कहेंगे और किसे प्रॉक्सिमल कहेंगे, किसे हम इन्फीरियर कहेंगे और किसे हम डिस्टल कहेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए
कि यदि सपोज करें कि हम किसी एक ऑर्गेन का बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात किया किसके बारे में, तो हैंड के बारे में। अब जब हम हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, आर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इट इज ए प्रॉक्सिमल एंड इट इज द डिस्टल, कि ये प्रॉक्सिमल है और ये हमारा क्या है, इट इज ए डिस्टल, ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये जो हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है इट इज द डिस्टल पार्ट। मीन्स एक ऑर्गेन है और उस ऑर्गेन के हम लोग लोकेशन बता रहे हैं डिफरेंट पार्ट का। तो जो ऑर्गेन का ऊपर होगा उससे हम कहेंगे इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो सबसे लास्ट में होगा ऑर्गेन का उससे हम लोग कहेंगे इट इज ए डिस्टल पार्ट। जब हमें सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करनी है, वहाँ पे दो ऑर्गेन को हम कंपेयर करते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास ये पोर्शन है इट इज़ द थॉरेक्स और ये पोर्शन है इट इज़ एब्डोमेन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दो ऑर्गेन इन्वॉल्व हो गए। तो हम जब हम थॉरेक्स की बात कहेंगे तो कहेंगे इट इज सुपीरियर टू द एब्डोमेन, और जब हम एब्डोमेन की बात कहेंगे तो हम कहेंगे इट इज इन्फीरियर टू द थॉरेक्स। यहाँ पे हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड यूज नहीं करेंगे कि जब दो ऑर्गेन के पोजीशन को एक्सप्लेन करना है तब हम वर्ड यूज करेंगे सुपीरियर एंड इन्फीरियर, और जब हम एक ही ऑर्गेन के दो पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तब हम जो सबसे ऊपर होगा उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल और जो सबसे लास्ट में होगा उसे कहेंगे डिस्टल। तो हम लोगों ने ये स्टडी किया कि हमारे बॉडी के अंदर आर्म्स होंगी, ट्रंक के साथ अटैच्ड आर्म्स होंगे जिसे हम लोग अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटीज नाम देंगे, और इस आर्म के अंदर फिर थ्री पार्ट्स होंगे, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। अपर आर्म का नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया ब्रैकियम, या कहेंगे इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्म, इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ आर्म। और ठीक इसी तरह से जो फोर आर्म है उसे कहेंगे इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द आर्म। और इस जो फोर आर्म है इसका एक और नाम होगा, उसका हम नाम देते हैं एंटी ब्रैकियम। एंटी का मतलब जहाँ भी वर्ड एंटी आए तो कहेंगे बिफोर, और ब्रैकियम, ब्रैकियम मतलब क्या हो गया है आर्म, कि जो अपर ब्रैकियम से पहले जो आर्म का पोर्शन है उस पोर्शन को लोग नाम देंगे इट इज द एंटी ब्रैकियम, कि ये हमारा ब्रैकियम हो गया और ये हमारा फोर आर्म हो गया। तो फोर आर्म ब्रैकियम से पहले आ रहा है तो इसलिए इसका उन्होंने क्या नाम दिया, इट इज एंटे ब्रैकियम। देखिए स्पेलिंग यहाँ ध्यान दें, A N T I नहीं लिखेंगे, यदि A N T I लिखेंगे तो एंटी हो गया, अपोजिट हो गया, यहाँ वर्ड क्या हमारा है दैट इज द A N T E। तो एंटेब्रैकियम क्या हो गया हमारा, फोर आर्म। और ठीक इसी तरह से जो हैंड होती हैं, इस हैंड का हम लोग नाम देते हैं दूसरा नाम, इट इज द मानस, MANUS मैनस। और ये जो मैनस है इसका इट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द आर्म। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि हमारे बॉडी में आर्म्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है दैट इज द आर्म पिट। आर्म पिट मतलब क्या हो गया कि जो थॉरेक्स ये जो पोर्शन है दिस इज द आर्म पिट, कि थॉरेक्स और जो अपर आर्म है इस आर्म या शोल्डर के बीच का जो स्पेस होगा उसका हम लोग नाम देते हैं इट इज द आर्म पिट्स। हम लोगों ने आर्म्स के बारे में जान लिया। अब जो नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है या जो लोअर लिम्ब है, उस लिम्ब का हम नाम देते हैं इट इज लेग्स, कि ये लेग्स हैं। अब ये जो लेग्स हैं, इन लेग्स को हम लोग फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम देंगे थाई, मतलब कि जो लेग का प्रॉक्सिमल पार्ट है, लेग का जो ऊपर वाला पार्ट है उसका हम क्या नाम देंगे इट इज़ थाई। जो मिडिल वाली पार्ट होगी इट इज़ कॉल्ड शैंक, और जो लोअर पार्ट होंगी इट इज़ कॉल्ड फुट। मीन्स फुट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द लेग एंड थाई इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लेग एंड दिस शैंक इज द मिडिल पार्ट ऑफ द लेग।
तो हम लोगों ने ये जाना कि बॉडी डिवीजन कितने, बॉडी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बॉडी कैविटीज पे। यदि हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी में हम क्या पाते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें ऐसा महसूस होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी एक सॉलिड बॉडी है और ये किसी भी तरह के मसल्स का, बोन्स के और स्किन का बना हुआ है। क्या हमने कहा कि जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी एक सॉलिड बॉडी है जो कि बोन्स का, मसल्स का और स्किन का बना होगा। मींस हमारी ये परसेप्शन है, हमारी ये धारणा है। लेकिन जब हम उस बॉडी को इंटरनली चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो ये बॉडी है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारे कैविटीज़ हैं और जिस कैविटीज़ के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और आज हम लोग उन्हीं कैविटीज़ के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन कैविटीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो वॉल है, नेचुरल है कि कोई कैविटी होगा तो उसका वॉल भी होगा, तो वो जो ह्यूमन बॉडी का वॉल है उस वॉल का क्या स्ट्रक्चर है और वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चलिए आज हम लोग स्लाइड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बॉडी वॉल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। जब हम बॉडी वॉल की बात करेंगे तो बॉडी वॉल 3 पार्ट्स की बनी होती हैं और वो हमारा है स्किन, मसल्स एंड पेरिटोनियम। स्किन, मसल्स एंड पेरिटोनियम। अब इसमें से स्किन क्या होता है हम सभी को मालूम है, स्किन हमारे लिए नया टर्म नहीं है। मसल्स क्या होता है ये भी हमें मालूम है, ये भी हमारे लिए नई टर्म नहीं है। लेकिन एक टर्म यहाँ पे आ गया, दैट इज द पेरिटोनियम। अब जैसे हम लोगों ने क्रैनियम एक नया वर्ड आज स्टडी किया, ब्रैकियम एक नया वर्ड स्टडी किया, ठीक उसी तरह से एक और नया वर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द पेरिटोनियम। अब देखिए पेरिटोनियम, जरा इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ड क्या है, पेरी एंड टोनियम। पेरी वर्ड आपने पहले भी कभी सुना होगा, थोड़ा सा अपने ब्रेन पे स्ट्रेस दें। वर्ड है पेरीफेरी, जो आप में से मैथ्स स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि पेरीफेरी क्या होता है। पेरीफेरी हम लोग किसे कहते हैं, जो किनारा, मीन्स जहाँ भी वर्ड पेरी आए, पेरी का मतलब क्या हो गया, आउटर साइड, और टोनियम, टोनियम का मतलब क्या हो गया, एक लेयर। तो हमारे स्किन और मसल्स या हमारे बॉडी वॉल में एक लेयर पाई जाती है, बॉडी कैविटी का इंटरनल लेयर, जो सबसे आउटर लेयर होगा दैट इज द स्किन, बीच का लेयर होगा दैट इज द मसल, और जो कैविटी के पास जो लेयर होगा उस लेयर को हम लोग कहेंगे इट इज द पेरिटोनियम। अब ये जो पेरिटोनियम है, जैसे हम डायग्राम में देखिए कि पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम कहाँ दिखाई दे रहा है, एक पेरिटोनियम यहाँ पे है और एक पेरिटोनियम यहाँ पे है। मीन्स कि हम पेरिटोनियम को दो जगह पे इंडिकेट कर रहे हैं, एक पेरिटोनियम ये हो गया जिसने उन्होंने नाम दिया पेराइटल पेरिटोनियम, और दूसरा पेरिटोनियम क्या हो गया, ये हो गया जिसने उन्होंने क्या नाम दिया, इट इज़ द विसरल पेरिटोनियम। और ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हमारा है, दीज आर द कैविटीज, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और इसका जो आउटर लेयर है, इस कैविटी का जो आउटर लेयर है उसका उन्होंने नाम दे रहे हैं इट इज द पेरिटोनियम। अब कहा जा रहा है कि जो पेरिटोनियम है इसका एक और नाम है, दैट इज द मेसेंट्री। और ये जो मेसेंट्री या जो पेरिटोनियम है ये किस चीज़ का बना होगा, तो इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम एंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाम जान लेते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू,
कि जो पेरिटोनियम है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और वो जो सेल्स हैं वो सेल्स बनाकर टिश्यू बनाते हैं और वो जो टिश्यू है उसका नाम दिया गया एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे जब हम टिश्यू चैप्टर को स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना आप याद रखिए कि जो पेरिटोनियम है ये पेरिटोनियम एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं जो कि हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी को और पेल्विक कैविटी को कवर करती हैं। अब यहाँ पे नाम आ गया एब्डोमिनल कैविटी। अब हम लोगों को मालूम है कि जो पेट हमारा है जो हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर जैसे स्टमक है इंटेस्टाइन है या और भी बहुत सारे लीवर हैं पैंक्रियाज हैं ये सारे ऑर्गन्स हैं जो एब्डोमेन में पाई जाती हैं और उस एब्डोमेन को हम क्या नाम देते हैं उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं इट इज़ द एब्डोमिनल कैविटी। और दूसरा वर्ड हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इट इज़ द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा कमर है कमर समझ रहे होंगे कि कमर के पास जो कैविटी है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाई जाती हैं उस कैविटी को हम नाम देंगे इट इज़ द पेल्विक कैविटी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी क्या होता है। अभी सिर्फ इतना ही जान लो कि कमर के एरिया में जो स्पेस है इंटरनल स्पेस उस स्पेस का नाम दिया पेल्विक कैविटी और जो हमारा एब्डोमेन है वहाँ जो स्पेस है उसका नाम दिया एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को एक टिश्यू कवर करके रखती है एक टिश्यू लाइन बना के रखती हैं और ये जो लाइन बन रही हैं उस लाइनिंग का उन्होंने नाम क्या दिया इट इज़ द पेरिटोनियम। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि स्लाइड के ऊपर तो वर्ड लिखा हुआ है पेराइटल पेरिटोनियम या विसरल पेरिटोनियम लेकिन हम हमेशा वर्ड यूज़ क्या कर रहे हैं पेरिटोनियम हम पेराइटल वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि पेरिटोनियम क्या होता है। अब ये जो पेरिटोनियम है ये पेरिटोनियम फिर टू टाइप्स की होती हैं एक हम नाम देंगे पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरे को हम नाम देंगे विसरल पेरिटोनियम। अब देखिए जहाँ भी वर्ड पेरी आ रहा है पेरी आ रहा है पेरी आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि किनारा आउटर साइड मीन्स वैसा पेरिटोनियम जो हमारे बॉडी के आउटर पोर्शन के साथ कनेक्टेड होगा उस पेरिटोनियम का हम नाम देंगे इट इज पेराइटल पेरिटोनियम। कहीं भी वर्ड पेराइटल आ रहा है उसका मतलब बस क्लियर समझ लो आप कि वो किसका मतलब क्या हो गया कि वो आउटसाइड द ऑर्गेन है उसका हम नाम देंगे पेराइटल। अब यहाँ हम लोग पेरिटोनियम की बात कर रहे हैं तो इट इज ए पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक उसी तरह से जब वर्ड आता है विसरल विसरल का मतलब हो गया कि इंटरनल कि बॉडी के अंदर बॉडी के इनसाइड कि बॉडी का जो इनसाइड पार्ट है और वहाँ पे यदि कुछ ऑर्गन पाई जाती हैं तो हम उसे कहेंगे इट इज विसरल ऑर्गन। इस बात का ध्यान रखना पेराइटल ऑर्गन मीन्स कि बॉडी के आउटर सरफेस पे जो ऑर्गन होगा दैट इज द पेराइटल ऑर्गन और जो बॉडी के अंदर साइड में ऑर्गन होगा दैट इज द विसरल ऑर्गन। तो पेरिटोनियम जो आउटर में है उसका नाम दिया गया पेराइटल पेरिटोनियम और वो पेरिटोनियम जो इनर साइड में है उसका हम क्या नाम देंगे इट इज द विसरल पेरिटोनियम दीज आर द विसरल पेरिटोनियम। अब कहा जा रहा है कि जो पेरिटोनियम है वो जिस कैविटी पे ऊपर लाइनिंग लगा रहा है जिस कैविटी को ये कवर कर रहा है जैसे ये कैविटी को ये पेरिटोनियम ने कवर किया तो इस कैविटी का हम नाम देंगे इट इज़ द पेरिटोनियल कैविटी कि पेरिटोनियम ने इसकी लाइनिंग की पेरिटोनियम इसकी कवरिंग कर रहा है तो हमने कैविटी का नाम दे दिया इट इज़ पेरिटोनियल कैविटी। और ये जो पेरिटोनियल कैविटी है ये फिर इसके अंदर दो कैविटी पाई जाएंगी और एक का हम नाम देंगे एब्डोमिनल कैविटी और दूसरे का हम नाम देंगे इट इज द पेल्विक कैविटी। आप समझ गए होंगे कि पेरिटोनियम क्या होता है और पेरिटोनियम कैविटी क्या होती है।
अब जो टाइप्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया टाइप्स ऑफ पेरिटोनियम कि पेराइटल पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम है। पेराइटल मतलब क्या हो गया? आउटर पार्ट, और विसरल क्या हो गया? इट इज द इनर पार्ट। या सॉरी, यहाँ गलत लिखा गया मुझसे, कि आउटर लेयर। विसरल का मतलब क्या होता है? इट इज इनर लेयर, की जो इनर लेयर है उस इनर लेयर को या उस इनर पेरिटोनियम को नाम देंगे इट इज ए विसरल पेरिटोनियम। अब हम लोग आते हैं अपने मस्कुलर लेयर का। तो हमें सभी को मालूम है कि जो बॉडी वॉल है वो मसल्स लेयर होंगी, और वो जो मसल्स होंगी उस मसल्स का एक स्पेशल नाम देंगे, क्योंकि वो बोन के साथ अटैच्ड होता है, तो हम उस मसल्स को क्या नाम देंगे? इट इज़ द स्केलेटल मसल्स। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। कि स्किन है, स्किन के बाद मसल्स है, मसल्स किसके साथ अटैच्ड है? तो बोन के साथ अटैच्ड है। चूंकि वो बोन के साथ अटैच्ड है इसलिए उसको उन्होंने क्या नाम दिया? इट इज द स्केलेटल मसल्स। और उसके बाद स्किन है, स्किन क्या है? इट इज द आउटर एरिया ऑफ द ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, एक्सटर्नल कवरिंग है, जो बॉडी वॉल का एक्सटर्नल कवरिंग है, उस एक्सटर्नल कवरिंग को हम लोग नाम देंगे इट इज स्किन। और ये जो स्किन जिस चीज़ का बना होता है, उस जिस टिश्यू का बना होता है उससे कहते हैं इट इज एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल तब जानेंगे जब हम टिश्यू चैप्टर को स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही जान लें आप कि ह्यूमन बॉडी वॉल एक्सटर्नली कवर्ड होता है एक लेयर से, जिसे हम लोग स्किन कहेंगे, और जो स्किन होगा वो किन टिश्यू का बना होगा? इट इज मेड अप ऑफ द एरियोलर टिश्यू। अब हम आते हैं अपने बॉडी कैविटीज के बारे में। देखिए, बॉडी कैविटीज को हम लोग इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे दो और वर्ड आ गए, एक का नाम दिया गया डॉर्सल और दूसरे का नाम दिया गया एंटेरियर, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं इट इज वेंट्रल, वीई वेंट्रल, इट इज वेंट्रल। वेंट्रल कैसे हम लिखेंगे? वीई एन टी आर ए एल। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया कि किसी भी बॉडी का जो फ्रंट पोर्शन होगा, किसी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होगा, उस पार्ट को क्या नाम देते हैं? इट इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसी पार्ट का दूसरा हम लोग इसी वेंट्रल वर्ड का दूसरा नाम देंगे इट इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक उसी तरह से जो बॉडी का जो बैक साइड है, इस बैक साइड को जो हम देखेंगे तो क्या कहेंगे? इट इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, या हम कह सकते हैं इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ गए? क्या नाम हो गया? जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको कहेंगे एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो पीछे वाला हो गया उसको नाम देंगे पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी या डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं, हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि हमें बॉडी, ह्यूमन बॉडी को जब हम नेकेड आई से एक्सटर्नली देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ह्यूमन बॉडी एक सॉलिड मास है, लेकिन जब हम उसे इंटरनल व्यू देखते हैं, उसके बॉडी के अंदर का पोजीशन को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि बॉडी का जो अंदर है वो हॉलो है, खाली है, खोखला है, और उस वहाँ पे बहुत सारे कैविटीज हैं। अब जो ये कैविटीज हैं, इन कैविटीज को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी कैविटी है वो दो तरह की होती हैं। एक को नाम देंगे इट इज़ द डॉर्सल कैविटी, और दूसरे को नाम देंगे इट इज़ द एंटेरियर कैविटी। डॉर्सल कैविटी या पोस्टेरियर कैविटी, एंटेरियर कैविटी या वेंट्रल कैविटी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द डॉर्सल कैविटी। अब देखिए, सबसे पहला जो डॉर्सल कैविटी के अंदर दो कैविटीज पाई जाती हैं, एक को नाम देते हैं इट इज़ द क्रैनियल कैविटी, और दूसरा नाम देंगे इट इज द स्पाइनल कैविटी। क्या नाम दिया? क्रैनियल कैविटी, और दूसरा नाम क्या हो गया? क्रैनियल कैविटी, और दूसरा नाम क्या हो गया हमारा? दैट इज द स्पाइनल कैविटी। अब हम लोगों ने
सबसे पहले जब हम फेस का स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या कहा कि हेड जो है, हेड में दो पार्ट हैं, एक का नाम दिया गया क्रैनियम और दूसरे का नाम दिया गया फेस, कि फेस के अंदर अपने स्ट्रक्चर होंगे और क्रैनियम के अंदर अपने स्ट्रक्चर होंगे। और क्रैनियम किसे कहा गया, तो अपर पार्ट ऑफ द हेड। अब इसी क्रैनियम के अंदर जो कैविटी पाई जाती हैं, उस कैविटी का हम नाम देते हैं, इट इज़ द क्रैनियल कैविटी। और क्रैनियल कैविटी का काम क्या होगा कि इसके अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस में ब्रेन स्टोर होंगी, मींस जो ब्रेन होंगी वो ब्रेन कहाँ पाई जाएंगी, तो इनसाइड क्रैनियल कैविटी। और ये क्रैनियल कैविटी इज ए टाइप ऑफ डॉर्सल कैविटी। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या स्टडी किया था कि क्रैनियल वर्ल्ड को कनेक्ट किया था क्रेन से, मींस स्ट्रॉन्ग जो क्रैनियल बोन्स हैं, जो क्रैनियल कैविटी जिन बोन्स की बनी होंगी वो बोन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बोन होती हैं। और क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन ऑर्गन है, ये ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, और इसके अंदर यदि कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हम आसानी से उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाते। इसलिए नेचर ने ब्रेन को एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी कवरिंग दिया है, और वो जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड ए क्रैनियल कैविटी। और क्रैनियल कैविटी का मेन काम क्या है कि इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम द जर्क, कि हम जैसे वॉकिंग कर रहे हों, हम जैसे रनिंग कर रहे हों, हम जंपिंग कर रहे हों, तो हमारे ब्रेन में किसी तरह का कोई जर्क ना हो, ब्रेन के अंदर कोई डैमेज ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे नेचर ने एक कैविटी बनाया और उसका नाम दिया गया, इट इज़ द क्रैनियल कैविटी। अब जब क्रैनियल कैविटी होती है, इस क्रैनियल कैविटी कनेक्टेड होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि रीढ़ की हड्डी, कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस हड्डी के बीच में भी एक स्पेस पाई जाती हैं, और उस स्पेस को हम नाम देते हैं, इट इज़ द स्पाइनल कैविटी। मीन्स कि जो ह्यूमन बॉडी कैविटीज हैं, उसका जो डॉर्सल कैविटी है, वो डॉर्सल कैविटी के अंदर दो कैविटी पाई गई, एक का नाम दिया गया क्रैनियल कैविटी और दूसरे का नाम दिया गया स्पाइनल कैविटी। अब हम लोग आते हैं अपने एंटीरियर कैविटी के बारे में या वेंट्रल कैविटी के बारे में कुछ जानने और कुछ समझने के लिए। जो हमारी एंटीरियर कैविटी है, इस एंटीरियर कैविटी को भी हम मेनली तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हम लोग कहेंगे इट इज़ द थोरेसिक कैविटी, और दूसरे को हम लोग कहेंगे इट इज़ द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे कि यहाँ क्या कौन कौन कैविटी पाई जाती हैं, एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी, तो दोनों को कंबाइन करके एक नाम दिया गया, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब आप सोच सकते हैं या आप कह सकते हैं क्यों हम इसको सिंपली एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी कह सकते थे। हम कह सकते थे एंटीरियर कैविटी में थ्री कैविटीज पाई जाती हैं, एक का नाम है थोरेसिक कैविटी, दूसरे का नाम है एब्डोमिनल कैविटी, और तीसरे का नाम है पेल्विक कैविटी। लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि एंटीरियर कैविटी के अंदर दो कैविटीज पाई जाएंगी, एक का हम नाम देंगे थोरेसिक कैविटी और दूसरे का हम नाम देंगे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, देखिए कारण क्या है कि जब हम थोरेसिक कैविटी के बारे में स्टडी करते हैं, जब हम और जब हम लोग एब्डोमिनल कैविटी के बारे में स्टडी करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक दीवाल होता है, एक सेपरेशन होता है, एक पार्टीशन होता है, और उस पार्टीशन को नाम देते हैं डायफ्राम।
अब एक नया वर्ड फिर आ गया, डायफ्राम। क्या कहा जा रहा है कि जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम हमारे थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। मींस थोरेसिक कैविटी अलग हो गई और एब्डोमिनल कैविटी अलग हो गई। लेकिन ऐसा कोई भी सेपरेशन या पार्टीशन पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में नहीं पाया जाता, इसलिए ये जो कंप्लीट कैविटी है इसका हम लोगों ने एक नाम दिया, इट इज़ द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। और जो ऊपर वाला कैविटी है इसका हम लोगों ने नाम दिया, इट इज़ द थोरेसिक कैविटी। अब जो ये थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पहले हम लोग थोरेसिक कैविटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस थोरेसिक कैविटी में फर्दर थ्री कैविटीज पाई जाती हैं। एक को लोग कहेंगे प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पी एल ई यू आर ए एल, प्लूरल कैविटी। और दूसरे लोग नाम देंगे कार्डियक कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड कार्डियक कैविटी। देखिए थॉरेक्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं? दो लंग्स हैं और एक हार्ट है। इसके अलावा फूड पाइप है और रेस्पिरेटरी पाइप है, मीन जिस पाइप के थ्रू फूड हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है वो भी थॉरेक्स में है, और जिस पाइप के थ्रू एयर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है रेस्पिरेटरी पाइप, वो भी इस थॉरेक्स के अंदर है। तो जो प्लूरल कैविटी है, जो लंग्स होंगी वो लंग्स से इस प्लूरल कैविटी में पाई जाएंगी, और जो हार्ट होंगी वो कार्डियक कैविटी में पाई जाएंगी। अब हम सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी में दो लंग्स पाई जाएंगे, मीन्स कि जो लेफ्ट साइड में है प्लूरल कैविटी वहाँ पे लेफ्ट लंग पाया जाएगा, और जो राइट साइड में है प्लूरल कैविटी वहाँ पे राइट लंग्स पाई जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, हमसे जब कोई पूछता है या हमें जो जानकारी है वो ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो हार्ट हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में भी लंग्स हैं और राइट साइड में भी लंग्स हैं, तो फिर ये हार्ट कहाँ गया? तो हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में नहीं पाया जाता, हार्ट थोरेसिक कैविटी के सेंटर में पाया जाता है। अब तो क्या डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर जो हार्ट का साउंड सुनते हैं वो लेफ्ट साइड में सुनते हैं? और मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि हार्ट थोरेसिक कैविटी के सेंटर में पाया जाता है। या तो मैं गलत हूँ या डॉक्टर साहब गलत हैं। चलिए इस कन्फ्यूजन को यहाँ पे रहने देते हैं, जब हम हार्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे फिर हम जानेंगे कि डॉक्टर्स क्यों स्टेथोस्कोप लेफ्ट साइड पे रखते हैं टू चेक द हार्ट बीट, जबकि हार्ट जो है वो सेंट्रल में पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी के बीच में पाया जाता है। आप इस डायग्राम में एक और स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इट इज बोन, इसे हम कहेंगे मिड स्टर्नम, इसके लिए वर्ड है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम बोन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि थोरेक्स के आउटर पोर्शन में या थोरेसिक कैविटी के आउटर पोर्शन में स्टर्नम बोन पाया जाता है, और उस बोन से रिब्स अटैच्ड होते हैं। हम सभी को मालूम है कि बोन से क्या अटैच्ड होते हैं? रिब्स। और ये रिब्स का मेन फंक्शन क्या होता है? टू गिव प्रोटेक्शन टू द लंग्स, मीन जो थोरेसिक कैविटी है उस थोरेसिक कैविटी का जो एंटीरियर पोर्शन है उस पोर्शन में स्टर्नम पाई जाती हैं और रिब्स पाई जाती हैं। इसका जो डॉर्सल या पोस्टेरियर पोर्शन है वहाँ स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है।
इसका जो इन्फीरियर पोजीशन है वहाँ एब्डोमिनल कैविटी पाई जाएंगे, और इसका जो सुपीरियर पोजीशन है वहाँ पे लंग सॉरी नेक पाया जाएगा, दिस पोर्शन इज द नेक। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द डायफ्राम, कि ये डायफ्राम क्या है। एक्चुअल में ये रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, और जो एंटीरियर कैविटीज हैं, इस कैविटी की ये प्रॉपर्टी है, या हमारी बॉडी कैविटी की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर ऑर्गेन को इंटैक्ट रखते हैं। मीन्स कि यदि हम कहीं दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, हमारा इंटरनल ऑर्गेन अपने पोजीशन पे फिक्स है, अपने पोजीशन पे इंटैक्ट है, वहाँ से वो हिलडुल नहीं रहा है। और ये फंक्शन किसका है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द बॉडी कैविटी। लेकिन जब हम सांस लेते हैं, हम सभी को मालूम है कि हमारा लंग्स एक्सपैंड करेगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो लंग्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मीन्स बॉडी कैविटी ऑर्गेन्स को इंटैक्ट रखती हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके शेप को चेंज होने को भी अलाउ करती हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे इस एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब क्या हो गया, जहाँ यूरिन स्टोर किया जाता है। जैसे जैसे वहाँ यूरिन स्टोर होता जाएगा, वैसे वैसे उस यूरिनरी ब्लैडर की साइज इंक्रीज होती चली जाती हैं। मीन्स बॉडी कैविटी अलाउ करती हैं किसी भी ऑर्गेन के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो बॉडी कैविटी का क्या क्या फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन हुआ कि इट गिव स्पेस फॉर ऑर्गन, दूसरा हो गया इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन, तीसरा फंक्शन हो गया इट कीप ऑर्गन्स इंटैक्ट इन इट्स पोजीशन, और अगला नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया, इट अलाउ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी कैविटीज। तो ये जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये डायफ्राम एक्चुअल में रेस्पिरेटरी मसल्स है। और इसकी खासियत क्या होगी कि जब हम सांस इनहेल करेंगे तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये जो डायफ्राम होगा, ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स जो लंग्स के अंदर एक्सपेंशन हो रही हैं और लंग्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, वो किसके चलते हो रही हैं, ड्यू टू दिस डायफ्राम। तो डायफ्राम एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और दूसरा हमारे बॉडी कैविटी को सेपरेट करता है। मीन्स इट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। अब हम आते हैं अपने इस एब्डोमिनल कैविटी पे। जो ये एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम दिया एब्डोमिनल कैविटी और दूसरा नाम दिया पेल्विक कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होंगे, तो इसमें स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, लीवर होगा, पैंक्रियाज होगा, किडनी होंगी, स्प्लीन होंगी, और कुछ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होंगे। मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मैक्सिमम ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स हमारे इस एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। और जो पेल्विक कैविटी है, जो हमारे कमर का पोर्शन है, वहाँ पे क्या पाया जाएगा, तो ये जो पेल्विक कैविटी होता है, इसके अंदर मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यदि मेल है तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यदि फीमेल है तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस पेल्विक कैविटी में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो यूरिन एक्सक्रीट होने का ट्यूब है, वो भी पेल्विक कैविटी में पाई जाएंगी। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रही हैं, वो रेक्टम एनस भी पेल्विक कैविटी में पाई जाती हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि बॉडी कैविटी क्या होता है। तो ये जो बॉडी कैविटी है, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा। ये जो बॉडी कैविटीज़ हैं, दो तरह की हो गई,
एक का नाम दिया डॉर्सल कैविटी, दूसरा का नाम दिया एंटेरियर कैविटी। जो डॉर्सल कैविटी है उसके अंदर दो कैविटी हो गई, क्रैनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी, और जो एंटेरियर कैविटी है उसके अंदर भी तीन कैविटी हो गई, एक्चुअल में तीन कैविटी हो गई, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। तो अब हम लोगों ने समझ लिया, जान लिया कि कैविटीज़ क्या होती हैं और बॉडी डिवीज़न क्या होता है, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, दैट इज़ द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर लिखें, मैं उसे क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यदि हम कोई नया टॉपिक अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं तो आपको लिंक भेजूंगा, लेकिन यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो मेरे लिंक भेजने से पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अपना कमेंट, अपना रिमार्क्स जरूर लिखें, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन।